ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की एडवोकेट रजनी जी मौजूद हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हम लोग यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं, हम बात करते हैं। रजनी जी, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड, जो भी बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर होते हैं नाम आता है, तो बाबा सिद्दीकी का जो बॉम्बे में मर्डर हुआ, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। आप उनकी एडवोकेट हैं, आप बताएं ये पूरा क्या है मैम? देखिए, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, एलिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो होगा खुद एक्सेप्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे पोस्ट आई है जो मैंने भी देखी है, बट वो पोस्ट किसने की है, दैट इज अ क्वेश्चन। वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से तो नहीं आई है पोस्ट। ये भी है ना कि अनुज थापन, जिसकी कस्टडी में मौत हुई, जो लॉरेंस के लिए काम करता था, ये तो बात क्लियर है, तो क्या अनुज थापन की मौत का बदला भी लिया जा रहा है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई, अनुज थापन, ये सब कनेक्ट सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसमें अभी तक कुछ ऐसा रिवील होकर सामने आया नहीं है। और रही बात बदले की, तो सर इस पे तो मैं खुद वहां के सीएम से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जब बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है, उनकी हत्या हुई है, तो उसके लिए स्टेटमेंट दी जा रही है कि हम फास्ट ट्रैक इंक्वायरी करेंगे, फास्ट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, बट सेम चीज अनुज थापन के मैटर में क्यों नहीं हो रही है? अनुज थापन की कस्टडी में डेथ हुई है, पुलिस कस्टडी में डेथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का भी इशू है। उसकी डेथ पे तो आज तक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट तक नहीं आई है। तो आप, ये अगर बाबा सिद्दीकी का मर्डर है, तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की वजह क्या है? ये भी बदला लेना सलमान के साथ है, या फिर कोई और वजह है कि बॉलीवुड में एक मेरी धाक हो? सर, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुई है, एज द स्टेटमेंट ऑफ सीएम कि वो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जो होगा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए कहा कि आपने जांच होगा, लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई जेल में आराम से मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, वो आराम से पूरे नेटवर्क को अपने चला रहा है। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, तब भी फोन गया था। सर, वो सिर्फ फोन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो प्ले हुई थी, वही हुई थी, उससे ज्यादा ना उससे उस केस में कोई फोन की रिकवरी हुई है। इवन किसी भी जेल अथॉरिटीज से अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कभी भी लेटर लिखकर रिपोर्ट मांगी है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई कोई फोन यूज कर रहा है, आज तक सब एजेंसीज का, सब जितने भी जेल अथॉरिटीज हैं, सबका यही रिप्लाई आया है कि नो फोन हैज बीन रिकवर्ड। तो मुझे तो पता नहीं कहां से कौन सा फोन यूज हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर से लेकर नॉर्दर्न इंडिया के तमाम गैंगस्टर हैं उनको जोड़ा है, एक अलग संगठन बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे भी गैंग हैं, तकरीबन 5 गैंग हैं जो एनिमी हैं और वो भी ताकतवर हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई को डर है उन अपने विरोधी गैंग से, इस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ जोड़ रहा है और नॉर्दर्न इंडिया से लेकर मुंबई तक अपना पूरा रैकेट फैला रहा है? सर, लॉरेंस बिश्नोई का किसी का डर है ये आज तक उसने कभी मुझे बताया नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आखिरी बार कब बात हुई थी आप? जब दिल्ली पुलिस रिमांड पर था तब। क्या बातचीत हुई? बस केस के रिगार्डिंग ही। कौन सा केस? ये सनलाइट कॉलोनी में फायरिंग का एक इंसिडेंस था, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की मैक्सिमम जो कॉल्स आती हैं, जो गोलियां चल रही हैं, शोरूम के बाहर गोली चल रही है, तो लॉरेंस के नाम से ही धमकी दी जा रही है। सर, आजकल लॉरेंस के नाम से अगर कहीं कोई चींटी को भी कोई धमकी आती है, कोई चींटी भी मरती है, तो नाम लॉरेंस बिश्नोई का आता है। आई डोंट नो कि लोग फेम के लिए कर रहे हैं, मुझे इसमें कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है। और ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमेशा रहता है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी एजेंसीज की तो निकलकर सामने आ जाता है कि एक्चुअल में कौन है इसके पीछे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेररिस्टों के नाम साथ भी नाम जुड़ता है लॉरेंस बिश्नोई का, कि सीमा पार बैठे देश के दुश्मन जो आतंकी हैं उनके साथ भी संपर्क है। सर, ये तो एजेंसियां खुद एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए जा रही है, इनका कोई, उनके पास ना ठोस प्रूफ है ना कुछ है, जब इन्वेस्टिगेशन जिस मैटर की कंप्लीट होगी तो सामने आ जाएगा। देखिए, आप जिस तरीके से बता रहे हैं रजनी जी कि लॉरेंस बिश्नोई का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से पूरे देश में जो देखने को आ रहा है कि चाहे पंजाब, दिल्ली, पूरा एनसीआर से लेकर के महाराष्ट्र, जो भी बड़ा क्राइम हो रहा है, चाहे वो फिरौती के लिए हो, जबरन उगाही के लिए हो, लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें आ रहा है। कहीं ना कहीं कनेक्शन भी हो रहा है, जो लोग गोली चला रहे हैं वो भी जुड़े हैं, जो लोग बाबा सिद्दीकी के मर्डर में पकड़े गए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
सर ये आई थिंक लास्ट ईयर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में आया था, स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन में आया था कि बहुत सारे लोग खुद अपने यारों दोस्तों के थ्रू धमकियां, बहुत सारे लेकिन सारे नहीं एग्जैक्टली exactly, मैं खुद कह रही हूँ कि बहुत सारे, तो सब में तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम, सब में नहीं कुछ में है, कुछ में है सर, नाम तो आ रहा है, अब उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है आई कांट से। तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग, जो तमाम एलिगेशन लग रहा है, आप वकील हैं उनकी, आगे आप लोग क्या करने वाले? सर बीइंग अ डिफेंस काउंसिल मैं तो उसको डिफेंड ही करूंगी, तो जो भी केस आएगा चार्जशीट मेरे हाथ में आएगी तो आई विल फाइंड द लूप होल की भैया कहाँ क्या कमी है, क्या इन्वेस्टिगेशन किस ट्रैक पर गई है, उसमें क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे। जो तमाम हथियारों का आना जाना है उसके बारे में भी कई FIR दर्ज हैं। सर FIRs तो बहुत सारी हैं और वो सिर्फ एलिगेशंस हैं, प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो आप ये देखिए, ये एडवोकेट हैं, इनका कहना है कि सारे के सारे सिर्फ एलिगेशन है, प्रूफ नहीं है। ज्यादातर मामलों को जाहिर तौर से डिफेंस लॉयर कह रही हैं कि मैं तो डिफेंस की ही बात करूंगी, तो ज्यादा से ज्यादा जो एलिगेशंस हैं उनको नकार रही हैं। यहां तक कि डिफेंस लॉयर का ये भी कहना है कि लॉरेंस के पास से आज तक कोई फोन जेल के अंदर बरामद नहीं हुआ है। हालांकि कहा यह जाता है कि लॉरेंस जेल में बैठकर मोबाइल फोन से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है।